नमस्कार सर, भाइयों से आप देख रहे हैं अपना चैनल डेयरी फार्मिंग विनोद गिरी, और मैं विनोद गिरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम पहुंचे हैं सलापुर के बाज़ार में। सलापुर के बाज़ार में भैंस और गायें दोनों ही आती हैं, एक से एक अच्छी दूध वाली भैंस और अच्छी गायें आती है। अब ये पूरी वीडियो जो है गायों की होगी, इसमें कुछ गायों को दिखाएंगे और उनकी जानकारी करेंगे कीमतों की। सभी भाई वीडियो को पूरी देखें और वीडियो के लास्ट में मंडी मालिकों के नंबर मिलेंगे जिनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरह की, और सभी तरह की गायें आती हैं। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी भाइयों को बाज़ार के बारे में पता लगे। सलापुर का बाज़ार हर मंगलवार को लगता है मेरठ बड़ौत रोड पर, जिला मेरठ यूपी। एक से एक बेहतरीन गायें आई हुई है, और पूरा इस समय फसल का टाइम भी है और गर्मियों का टाइम भी है, इस समय भी इतने पशु आए हुए हैं। ये सामने दिखा रहे हैं गायें, बहुत ही अच्छे अड्ड वाली है। खोलिए भैया, से गायें जो सामने गायें दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छी बड़े अड्ड वाली है गाय का। इतनी गायें ऊपर नहीं है जितनी नीचे से है, कितना बड़ा बेहतरीन अड्ड है, बहुत ही बढ़िया अच्छी जड़ वाली है, और ठंड भी बहुत साफ सुथरे हैं। गाय को चलना फिरना भी भारी हो रहा है, इतनी बड़ी जड़ बना रखी है गाय ने। और अभी इसकी करेंगे जानकारी दूध की और कीमतों की। देखेंगे कितनी बेहतरीन गाय आई हुई है, और साइज भी बहुत अच्छा है। गाय का थन बिल्कुल बहुत ही अच्छा मोटा थन है, भैंसों की तरह का। देखेंगे हमारे से डर रही है, पर इसका तो दूध भी भिगोने में रख के लिखाड़ना पड़ेगा। कौन बताओगे कीमत? एक गाय जो बेहतरीन है, इसकी कीमतों की अभी करेंगे जानकारी। इतने दूसरी गाय दिखाते हैं, इसके इस समय यहाँ मालिक नहीं है। गाय बहुत ही शांत स्वभाव की है, और ये इसका बच्चा बिल्कुल ताजी ब्याई हुई है। खोलिए भैया से, एक और सामने गाय दिखा रहे हैं। जिस तरह वो पहली गाय दिखाई है, ये गाय भी उसी तरह की है। इसका साइज बहुत अच्छा है उसके आगे, और बहुत ही अच्छा बड़ा अड्ड वाली है। गाय कितने बड़े अड्ड वाली है, सबसे बहुत की गाय है। तरह से एक से गाय आई है, कुछ व्यापारी जो है गर्मी हो रही है इसलिए खोल नहीं रही गायों को, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कितने रुपए की था अभी? ये जो गाय है, इसके व्यापारी भाइयों ने हमें ऐसे ही बता दिया है। थोड़ी देखे बच्चे गाय की जो कीमत है 65,000 रुपये इसकी कीमत है, 65,000 की जो है इन्होंने देने की बताई है, मोल भाव कुछ भी करें। देखूंगा इसी तरह से दिखाते हैं भाई, सिंह तोड़ रखा दिखे पर गाय दिखा रहे। साहिवाल दिखे हो? साहिवाल गाय ले रहा है भाई, और थोड़ी जड़ 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 कम बना रही है। थर में फर्क है इसके कुछ पिछलो? जैसे हम भाई से पूछ रहे हैं, व्यापारी भाई से हम पूछ लेते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है? हमें ठंड में दिक्कत लग रही थी इसलिए हमने पूछा। गाय जो है ताजी ब्याई हुई है, और साहिवाल गाय है। बच्चे दिखे नीचे भी? यहाँ बहुत बेहतरीन गाय है, अगले थन बहुत साफ है, पिछले थोड़े हल्के पड़ रहे हैं। अभी व्यापारी भाई से बातचीत करके पता लगेगा। आ जाओ भैया, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी। क्या नाम है? गौतम। कहाँ के रहने वाले? शामली से आए हो बेकले? ये जो गाय भैया तुम्हारी कौन सी नस्ल की है? जर्सी साहिवाल है। जर्सी साहिवाल पूरे कर लेते बच्चे मुँह लगा। और कौन से ब्याह किया, कौन सी पर ब्याह? भैया दूसरे ब्याह रही है। और जैसे हम देख रहे हैं पिछले थन कुछ हल्के पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना थन में? नहीं है? नहीं, साफ सुथरे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। और आज क्या एक दिन की हो रही बेबी? आज 8 दिन की हो रही बेबी। अब दूध कितना हो रहा तैयार इसमें? 15 किलो। 15 किलो ऐसे कहने का ही? कहने का ही नहीं, 14 किलो दूध तैयार है। 14 किलो नफ्ती वाला है दूध। अच्छा, और क्या कीमत रखी भैया? 45,000 का रखे हैं। तो ये फिक्स है, कुछ कम भी हो जाएंगे? कम हो जाएंगे भैया, कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे कम?
ग्राहक के ऊपर है, मतलब 40 तक की दे जाओगे। देखिए कुछ ग्राहक भाई खड़े हैं इसलिए भाई थोड़ा सा हल्का सा है, धीरे धीरे बता रहा है हमें। और वैसे मौके पे अगर पैसे लेके बैठते तो हो सकता है कुछ 1,000-2,000 और ऊपर नीचे भी हो जाए। तो यू एक ही गाय लाए थे और भी लाए थे? एक भैंस लाया था, बिक दी। भैंस लाए थे, बिक दी। भैंस में कमा दिया नफा? हैं नफा कुछ? हाँ हो गया नफा तो, है नहीं हुआ 6,000 जमा मसा। अच्छा जी, चलो ठीक है भैया जी। सभी तरह की गाय आती है और इसके व्यापारी अब तक नहीं आया। ये जो जड़ वाली बहुत ही अच्छी जड़ वाली है। इसे खोल लिया छोटू? हाँ इसे खोल लिया, खोल ले एक बार। देखिए सामने गाय दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जड़ ठंड की है और बहुत ही बढ़िया जड़ बना रही है गाय। 15 और जो है इसके व्यापारी भाई जो है बहुत ही दूध की तारीफ कर रहे हैं। और वैसे गाय है भी अच्छी 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 जड़ बना रखी है गाय ने, और थन जो है बिल्कुल साफ सुथरे थन है। बकाले बैठे थे इधर को भाई, दिखा दे भाई, दिखा दे। मौके पर ग्राहक भाई भी आए हुए हैं जो देख रहे हैं। ये मौके पर इस गाय को दोबारा देखने के लिए निकल वाली है। अभी बातचीत करते हैं इसकी कीमत की। हाँ भाई देखिए, बस मेरे होंगे देखे वहाँ गाय जो बच्चा भी बिल्कुल सफेद है। आए भैया देखिए ग्राहकी बहुत अच्छी है, बहुत भाई तुरंत खुलवा लेते हैं। अभी बातचीत भी करने का टाइम दे रहे और भैया मेरे बस की देखेगा। जैसे गाय दिखाई और मैंने बीच बीच में बताया कि ग्राहक भाई भी देख रहे हैं, तो व्यापारी भाइयों ने ग्राहकों को आगे बताने से मना कर दिया। इसकी जो कीमत है 45,000 रुपये कर रहे हैं और 38-40 हज़ार की गाय को देके जाएंगे। बहुत ही अच्छी कीमतों की गाय हैं, बहुत अच्छे शांत स्वभाव की गाय हैं। और ये जिस गाय की हमने वीडियो शुरुआत में बनाई थी, उस ग्राहकों के और ये अभी इसका सौदा हो गया, पास हो रही है। आ रहा हूँ अभी, ये वाली गाय जो है पास हो रही है, इसका सौदा हो गया। कितने का है इसका सौदा? किसने ली? तुमने ली? मैं तो ऐसे पूछ लूँ कितने का हुआ सौदा, हो गया दादा? कितने का हो गया? ये गाय पास होने लग रही है। देखे गए जो है व्यापारी भाइयों ने बताया है, खरीदार भाइयों ने इनके 50,000 रुपए की इन्होंने ये तय करी है। 50,000 वो देखेगा गाय के हिसाब से बहुत ही जायज कीमत है। कितनी बड़ी जड़ वाली गाय है। एक से अच्छी बेहतरीन गाय आई भी है और किसी की कोई जानकारी नहीं कर सकते। भाई और गाय ले रहा है, बड़ी बेहतरीन गाय है। और इसी के लिए कर रहा था मारे हो रात की ब्याई बच्चा। ये जो व्यापारी भाई है पहले भी कई वीडियो में देखे होंगे, हमेशा अच्छी अच्छी गाय लेके आते हैं। बहुत ही अच्छी जड़ की गाय है, थोड़ा साइज तो मीडियम साइज की है, नीचे साइज की है। अभी बातचीत करते हैं इसकी कीमतों की और दूध की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये इसका बच्चा बांधे भैया, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है? 97 नाम है भाई। कहाँ के रहने वाले? लोटे के। लोटे के जी। गाय एक से एक बढ़िया लाते हैं और बार बाजार में? हाँ क्या करें, बढ़िया लानी पड़े। क्या करें, बढ़िया काम है, बढ़िया गाय लाना है, बढ़िया बाजार में माल बिके, क्या करें। अच्छा ये जो गाय है तुम्हारे कौन सी? अच्छा भैया HF है जी। अच्छा और कौन सी बार भी आई? दूसरे भी आई। दूसरे बार और कब की भी आई? रात की भी आई, बच्चा खड़ी करते बच्चे तो बैठे हैं ना, गर्मी हो रही तो खीस थोड़ा बहुत काट रखा है? खीस काटा रात। काटा कितने काट लिया होगा? खीस काटा 5-6 किलो काटा बच्चा। 5-6 किलो। अच्छा तुम तो खरीद के ही लाए होगे। मालिक कितने दूध की बताया था? पहलवान 17-18 किलो दूध दे रखा। अब क्या कितना निकाल देगी तुम्हारी नजर में? देगी इतना दे देगी। और क्या कीमत रखी भैया? 65,000 कीमत तो बहुत ज्यादा बता दी। हल्की सी गाय के सोना जो थोड़ा तो आवे सोने थोड़े आवे, पर ये गायों में तो मामला इतना ना होता।
कितने कितने फल तो बता दिए और बता दो। 1000-2000 कम दिए, बढ़ती 62 लोग दे देंगे बस। ये 10,000 का चल रहा है सौदा आज? ना 10 का ना चल रहा, 10 का नहीं चल रहा, 55 तो दे रहे हरियाणा के, ये मिल रहे हैं बाजार में। तो फिर इतने में औसत ना रहा देने का, ये थोड़ा फल तो कमाने की इच्छा लग रही है। कमा का रहे ना, भी आती जब कमाते जो ना भी आती जब कमाते जब ज्यादा कमाई हो जाती। चलो ठीक है, भेज देगा भाई ने कीमत भी जायज करिए, और वैसे जब मौके पर ले खरीदते हैं तो कुछ फर्क पड़ जाता है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।